प्रेरणा कथा कामचोर शिक्षक। एक मठ से समय समय पर पढ़े लिखे भिक्षुकों को मठ के स्कूलों में पढ़ाने का काम दिया जाता था। ऐसे ही एक स्कूल में एक भिक्षु शिक्षक बनकर आया था। वो बहुत ही आलसी था और अपना अधिकांश समय आराम करके और सोकर ही बिता देता था। स्कूल आते ही उसको कुछ ना कुछ खाने की आदत थी और वह खाने के बाद तुरंत ही एक झपकी भी ले लेता था। बच्चों को कोई भी पाठ सिखाने से पहले वो इतना खा लेता था कि उससे हिलू करना भी मुश्किल हो जाता था। बच्चों को कोई ना कोई पाठ पढ़ने का काम देकर या अन्य कोई काम देकर वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाता था। उसकी नींद घंटी की आवाज सुनकर ही टूटती थी। उसकी कक्षा में ली नाम का एक गरीब छात्र भी पढ़ता था। एक दिन ली ने अपने भिक्षु शिक्षक से कहा, गुरुजी क्या मैं आपको पूछ सकता हूं कि आप हमारी कक्षा में सोते क्यों रहते हैं? भिक्षु ने कहा, तुमको लगता है मैं सोया हूं परंतु मैं सोता नहीं हूं। आंखें बंद करके मैं भगवान बुद्ध से मिलता हूं और उनके ज्ञानवर्धक शब्दों को सुनता हूं, इसीलिए मैं जितना हो सके सोने का प्रयास करता हूं। एक रात ली के पिताजी बीमार पड़ गए। ली पूरी रात अपने पिताजी की देखभाल करता रहा और पूरी रात नहीं सोया। सुबह जब वो स्कूल आया उसको बहुत नींद आ रही थी। वो कक्षा में ही सो गया। घंटी की आवाज भी उसको उठा नहीं सकी। घंटी की आवाज सुनकर भिक्षु शिक्षक तो अपनी नींद से बाहर आ गए परंतु ली सोया ही रहा। जब भिक्षु ने कक्षा में उस लड़के को सोया हुआ देखा उसको बहुत गुस्सा आया और उसने जोर से कहा, ओए छोटे पिल्ले, तुमने मेरी कक्षा में सोने की हिम्मत कैसे की? ली की नींद खुल गई। उसने सामने खड़े हुए शिक्षक का तमतमाया चेहरा अपने सामने देखा। उसने कहा, ऐसा लगता है मैं सो गया था परंतु मैं सोया नहीं था। मैं भगवान बुद्ध के साथ था और उनके ज्ञानवर्धक शब्दों को सुन रहा था। शिक्षक ने कहा, भगवान बुद्ध ने तुमको क्या कहा? ली ने गंभीरता से कहा, सर्वशक्तिमान बुद्ध ने मुझको कहा कि उन्होंने हमारे शिक्षक यानी आपको कभी देखा ही नहीं था। शिक्षक के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और उसके मुंह में शब्द ही नहीं थे। उस दिन के बाद उसने कक्षा में सोना छोड़ दिया और बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाना शुरू कर दिया। मित्रों, बड़े बूढ़े तो बच्चों को हमेशा ही कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं और समय समय पर ये भी जताने की कोशिश करते हैं कि वो बच्चों से अधिक बुद्धिमान है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे भी बड़ों को ज्ञान दे देते हैं और उनकी आंखें खोल देते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।